नमस्कार, हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। फतेहपुर पहुंचे शांता कुमार ने किया पार्टी का गुणगान, बीजेपी प्रत्याशी का नाम तक नहीं लिया। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच स्कूल बंद करने पर बोले सीएम जयराम, अभी स्कूल नहीं होंगे बंद। हिमाचल बोर्ड ने 12वीं की फर्स्ट टर्म परीक्षा की डेटशीट में किया संशोधन, राजनीति विज्ञान और फिजिक्स एंड अकाउंटेंसी की डेटशीट बदली। बीजेपी महिला मोर्चा ने चेतन बरागटा को समर्थन करने पर 7 पदाधिकारियों को किया 6 वर्ष के लिए बाहर। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने चुनाव आयोग को बताया बीजेपी का एजेंडा। 10 साल से अंधेरे में डूबे गांव को मिलेगी रोशनी, हेलीकॉप्टर से भेजे जा रहे हैं सोलर पैनल। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन कांगड़ा की छात्राओं का AIEEE प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन। मंडी में सड़क हादसा, 2 की हुई मौत, 3 हुए घायल। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार आज फतेहपुर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पर अपने भाषण के दौरान केवल पार्टी का गुणगान किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी का पूरे भाषण में कहीं भी नाम तक नहीं लिया। शांता ने कहा कि निजीकरण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार के अवसर हैं, कहा कि निजीकरण से विकास संभव है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अगर शासक व्यापारी बन जाए तो देश नहीं चलाया जा सकता है। धरने पर बैठे किसानों के बारे में शांता का कहना था कि धरने पर किसान नहीं बिचौलिए बैठे हैं, वो उनके प्रतिनिधि हैं। टिकट आवंटन को लेकर उन्होंने कहा कि ये कार्य हाई कमान का है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से कोरोना का कहर स्कूली छात्रों पर बरपा है, कई स्कूलों में छात्र कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। ऐसे में स्कूल बंद करने की बार बार बात कही जा रही है। इन सब के बीच आज सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने स्कूल बंद करने को लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में 1 लोकसभा सीट व 3 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर दावा किया है कि इन उपचुनावों में बीजेपी की ही जीत होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में जारी की 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की डेटशीट में कुछ बदलाव किया है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी है। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा जारी की गई 12वीं की फर्स्ट टर्म की परीक्षाओं की तिथियों में आंशिक रूप से संशोधन किया गया है। इसके अनुसार राजनीति विज्ञान की परीक्षा अब 2 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इसी तरह से फिजिक्स एंड अकाउंटेंसी की परीक्षा अब 27 नवंबर 2021 को आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों के बीच हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 7 पदाधिकारियों को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसमें जुब्बल कोटखाई महासू के पदाधिकारी व विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पार्टी से निष्कासित पदाधिकारियों में महासू की जिला उपाध्यक्ष विजेता खिमटा, जिला सचिव पूनम मोक्ठा, जुब्बल कोटखाई मंडल अध्यक्ष नैना तनेटा, उपाध्यक्ष पिंकी कोटवी, मंडल महामंत्री सजना सलाकटा के अलावा 2 विशेष आमंत्रित सदस्य रूपजा नेपटा व मीनाक्षी मांटा शामिल हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल उपचुनाव में मतदान में 5 दिन बाकी रह गए हैं। चुनावी सरगर्मी में नेता लगातार विवादित बयान भी दे रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा और कार्यशैली को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताया है।
उन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को बैलेट पेपर से मतदान में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में 100 से अधिक शिकायतें की, मगर एक भी शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया है। वहीं उन्होंने बीजेपी का घेराव करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार चुनाव में जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने में लगी हुई है। हिमाचल के एक गांव में 10 साल बाद बिजली की रोशनी दिखेगी। यहां के लोग पिछले 10 सालों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ये गांव हिमाचल के कांगड़ा जिला के उपमंडल बैजनाथ का अति दुर्गम व जनजातीय क्षेत्र बड़ा भंगाल है। सोमवार को एसडीएम सलीम आजम की अध्यक्षता में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से हेलीकॉप्टर से 168 सौर ऊर्जा के पैनल बड़ा भंगाल के लिए भेजे गए हैं। इन सोलर पैनलों के लगने से अब जनजातीय क्षेत्र बड़ा भंगाल के हर घर में बिजली की रोशनी होगी। प्रशासन ने बिजली का प्रबंध करने के लिए सोलर पैनल भेज दिए हैं। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर में बिजली विभाग के इंजीनियरों सहित प्रशासनिक अधिकारी व अन्य टीम भी रवाना हुई है। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन कांगड़ा के छात्रों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा परिणाम में श्री बालाजी इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन कांगड़ा की छात्रा साक्षी विष्ट पुत्री डॉक्टर इंद्रा मोहन विष्ट ने 98.5% अंक प्राप्त कर पूरे देश भर में उत्कृष्ट रैंक प्राप्त किया है। इसी तरह से प्रिया पुत्री सुभाष चंद ने 79.3% अंक प्राप्त किए हैं। दोनों ही छात्राओं को हर तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा और डायरेक्टर प्रोफेसर एसके शर्मा ने इन छात्राओं के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें तथा उनके माता पिता को बधाई दी है। हिमाचल के मंडी में बीते 2 दिनों में 2 सड़क हादसों में कुल 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। आज दोपहर को कुछ लोग कार में सवार होकर कठोगन गांव से पन्याली गांव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दुर्गापुर के छेबड़ी गांव के पास इनकी कार अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि घायलों में से एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया है। अन्य घायलों का इलाज CHC रिवालसर में चल रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।